स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13, जो कुछ इस तरह से है कि सो दैट द रिलेशन डिफाइंड इन सेट ए ऑफ आल पॉलीगन्स एज आर इक्वल टू आर। रिलेशन हमारा दिया है P1 P2 पॉलीगन है और इस तरह से है सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो देखते हैं, इक्विवेलेंस पहले प्रूव करना है तो रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा। तो कोई भी दो पॉलीगन जो सेम होते हैं उनकी साइड्स भी सेम होंगी, तो हम लिख सकते हैं P1 बिलोंग टू R एज सेम पॉलीगन। ये P1 सेम पॉलीगन है, तो सेम पॉलीगन हैव सेम नंबर ऑफ साइड। इनकी साइडें भी सेम होंगी, तो हैंस रिलेशन इज, तो जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक होने के लिए देखते हैं कि लेट P1 P2 बिलोंग टू R, इसका मतलब हुआ एज P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एज पॉलीगन P2 हैव साइड। जितनी साइडें P2 की होंगी उतनी साइडें P1 की होंगी, तभी P1 P2 R को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि P2 एंड P1 R आल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड। जब P2 और P1 की साइड भी सेम होंगी तो ये इम्प्लाइज करता है कि P2 P1 भी बिलोंग करेगा R को। जब P1 P2 R को बिलोंग करते हों और P2 P1 भी R को बिलोंग करें तो हमारा रिलेशन होता है सिमेट्रिक। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो रिलेशन हमारा होगा सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होने के लिए देखते हैं, हम लेट कर लें, लेट P1 P2 बिलोंग टू R एंड P2 P3 बिलोंग टू R। मान लिया हमने, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2 एंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P3। P1 P2 R को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब हुआ कि P1 P2 की साइड सेम होंगी और P2 P3 R को बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स P2 P3 की साइड भी सेम होंगी।
तो जब P1 P2 की साइड सेम, P2 P3 की साइड सेम, तो ये इम्प्लाइज करता है कि P1 और P3 की साइड भी सेम होंगी। ये इम्प्लाइज करता है कि P1 नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P3। तो P1 और P3 की साइड भी सेम होंगी, जो इम्प्लाइज करता है, इसको रेज करते हैं, जो इम्प्लाइज करेगा कि P1 P3 भी बिलोंग करेंगे R को। तो जब P1 P2 R को बिलोंग करें, P2 P3 R को बिलोंग करें और P1 P3 भी R को बिलोंग करें, तो रिलेशन हमारा होता है, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और जब हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव होता है तो ये इक्विवेलेंस भी होता है। सो गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारा रिलेशन हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, नोट इट। आगे कहा है आपसे कि आगे आपसे ये कहा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड 3, 4, 5। तो हम यहां लिखते हैं सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल्ड ट्राइंगल टी आर दोज पॉलीगन Which have three sides। तो इनका सेट भी वही होगा जो टी का सेट होगा, यानी कि टी में क्या है, टी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है और थ्री साइड वाला है। तो थ्री साइड वाले भी जो पॉलीगन होंगे वही इस सेट में होंगे। तो आर दोज पॉलीगन्स विच हैव थ्री साइड्स। तो सिंस क्यों होगा, क्योंकि टी जो है हमारा इज ए पॉलीगन विद थ्री साइड्स, क्योंकि टी जो पॉलीगन है वो थ्री साइड का पॉलीगन है। तो ये जो रिलेटेड होगा इससे वो भी थ्री साइड वाला ही पॉलीगन होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, Hence, फिर वही कॉपी करना है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ये सेट होगा सभी ट्राइंगल्स का।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ, नोट डाउन इट।